बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 जो है वो पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो अल्केन्स के रिएक्शंस थे वो देखे थे। हमारा लास्ट रिएक्शन जो कि हैलोजिनेशन है, ये हमारा रहता था, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अल्केन्स जो है वो हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट और एट हाई टेम्परेचर। और रिजल्ट क्या होता है कि जो हैलोजन अल्केन्स हैं उनके हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो चले जाते हैं और हैलोजन जो है उसकी जगह पे आ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैलोजिनेशन। अब कितने हैलोजन होगी ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना हैलोजन यूज किया, यानी कि अगर आपने एक्सेस में हैलोजन यूज किया है तो फिर अल्केन के अंदर जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे और उसकी जगह पर हैलोजन हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, अब आप लोग ये बात नोटिस कीजिएगा कि जब भी हम हैलोजन्स के रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मोस्टली हम क्लोरीन या ब्रोमीन के रिएक्शंस पढ़ रहे होते हैं, हम फ्लोरीन या आयोडीन के रिएक्शन नहीं पढ़ते। फ्लोरीन और आयोडीन के रिएक्शन ना पढ़ने की वजह ये है कि जो फ्लोरीन है उसका रिएक्शन हाईली वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत रैपिड, बहुत एक्सप्लोजिव होता है कि एक लम्हे में हो जाता है। और आयोडीन को अगर हम देखें तो आयोडीन के रिएक्शन इतने स्लो होते हैं के उसके लिए आपको बहुत सारा वेट करना पड़ता है और वो प्रॉपरली होते भी नहीं है। तो ऐसा रिएक्शन जो कि एक लम्हे में हो रहा है या ऐसा रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, उन दोनों को स्टडी करना मुश्किल है। इसके मुकाबले में वो रिएक्शन जो कि क्लोरीन या ब्रोमीन के अगर हम देखें तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन मॉडरेट होते हैं, ना बहुत ज्यादा फास्ट ना ही बहुत ही स्लो। तो इस वजह से जो मोस्टली जब स्टडी की जाती है तो क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शन की जाती है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो क्लोरीन के साथ सबसे फास्ट, देन क्लोरीन, ब्रोमीन और सबसे स्लो जो रेट ऑफ रिएक्शन है या सबसे कम रिएक्टिविटी आयोडीन की होती है। अब वो कह रहे हैं कि हैलोजिनेशन इज बिलीव टू प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है कि अगर किसी एटम के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे कि ये फ्री रेडिकल है। और जो फ्री रेडिकल है ये आपको पता होना चाहिए कि ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है। ये बहुत जो है इनका ये मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और किसी भी रिएजेंट के साथ फौरन से रिएक्ट कर जाती हैं। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसके 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। नाम से पता चल रहा है इनिशिएशन का मतलब है कि स्टार्ट होना, प्रोपेगेशन का मतलब है प्रोपेगेट होना, बढ़ना, और टर्मिनेशन है एंड होना। कि ये जो रिएक्शन है 3 स्टेप्स में हो रहा है हमारे पास, कौन कौन से, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। अब अगर हम इसको देखें, इसको थोड़ा सा ठीक कर, हाँ अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने यहाँ पे हमारे पास इसके एक बॉन्ड लाए हुए। अब एक बॉन्ड का मतलब है कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर क्या होगा कि या तो ये होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास आ जाएंगे और उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले एटम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। लेकिन अगर ये ही रिएक्शन यूवी लाइट की मौजूदगी में है तो हमारे पास क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास। अब ये दोनों जो है ये क्या बन गए हैं, फ्री रेडिकल्स। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये अब ये रिएक्शन इनिशिएट हो गया। इनिशिएट का मतलब है स्टार्ट हो गया, कि जो सबसे पहला स्टेप है कि जिसमें फ्री रेडिकल्स जो है वो जनरेट होंगे और ये रिएक्शन जो है वो यूवी लाइट की मौजूदगी में या फिर सनलाइट की मौजूदगी में या फिर हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में होगा। अब हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया। हमें ये बात याद रखनी है कि जो फ्री रेडिकल है वो हाईली रिएक्टिव स्पीशी है। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इन्होंने रेडिकल जो है वो शो नहीं किए हुए, इसलिए मैं इसको साथ साथ करती जा रही हूँ। अब क्या हो रहा है कि अब ये 2 स्टेप्स हैं और यही 2 स्टेप्स जो है वो रिपीट होते जाएंगे, तो इसलिए आपने इसको जरा गौर से देखना है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि ये अल्केन है, अल्केन का जो ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिथाइल के ऊपर, और जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और मिथाइल के ऊपर जो है वो फ्री रेडिकल आ जाएगा। फिर अभी जो मिथाइल का फ्री रेडिकल है ये दूसरे Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और ब्रेक इसी तरीके से होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड पे, और ये जो मिथाइल का एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोराइड का एक इलेक्ट्रॉन है ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर हमारा
फ्री रेडिकल आएगा। अब आपने अगर गौर किया हो तो देखें कि जब भी फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में एक फ्री रेडिकल जो है वो नया जरूर बनेगा। और जब तक ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये दोनों स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे, और जब ये सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो ये जो एक मिथाइल है उसकी हेलोजिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हेलोजिनेशन कितनी होनी है ये डिपेंड करेगा कि हमने हेलोजन जो है वो कितने लिए थे। लास्ट स्टेप जो है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है स्टॉप होना, एंड होना। टर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब दो रेडिकल्स आपस में रिएक्ट कर जाए। जब दो रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तब कोई नया रेडिकल नहीं बनेगा, और एज अ रिजल्ट जब नया रेडिकल नहीं है तो फिर ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सही है। अब जो है, अब हमने क्या कहा, तीन स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। प्रोपेगेशन में क्या होगा कि जो फ्री रेडिकल है वो रिएक्ट करेगा और एज अ रिजल्ट हेलोजिनेशन हो जाएगी। हेलोजिनेशन है क्या, एडिशन ऑफ हेलोजन। सही। अब वो कह रहे हैं कि जो स्टेप टू है इसकी रेपिटेशन से मिक्सचर बनेगा हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स का, और ये जो है रिएक्शन ये सिंथेटिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि इससे जो प्रोडक्ट आता है वो एक तरह का नहीं आता, मिक्सचर आता है, इस वजह से ये सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखें, हमारे पास ये बन गया था CH3Cl, ये हमारा CH3Cl। अब सेम स्टेप ये वाला रिपीट हो रहा है कि एक क्लोराइड का रेडिकल आया, ये जो बना हुआ था ये समझ दें, और इस क्लोराइड के रेडिकल ने एक हाइड्रोजन को ले लिया, और इसके नतीजे में ये जो कार्बन है इसके ऊपर फ्री रेडिकल बन गया, साथ में हमारे पास HCl बन गया। सही। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यही होगा कि ये जो CH2 है ये एक और Cl2 पे अटैक करेगा। ये देखें, ये जो CH2 का फ्री रेडिकल है, ये देखें, रेडिकल शो नहीं किए, ये Cl2 पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास क्लोराइड का रेडिकल बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये क्लोराइड का रेडिकल फिर इधर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को जो ले जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, और इसके नतीजे में यहाँ पर हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा, साथ HCl बन जाएगा। और ये जो फ्री रेडिकल वाला है ये फिर Cl2 पे अटैक करेगा, फिर क्लोराइड का फ्री रेडिकल हमारे पास बन गया, और ये फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर ये जो क्लोराइड का रेडिकल है ये हाइड्रोजन को ले गए और हमारे पास कार्बन का फ्री रेडिकल बन गए और साथ में HCl, और फिर ये जो Cl2 के साथ रिएक्ट करके फिर इसने बॉन्ड ब्रेक किया और क्लोराइड का रेडिकल, अभी क्लोराइड का रेडिकल अगले किसी और जो आपका अल्केन है उसके ऊपर अटैक कर लेगा। तो वही दो स्टेप्स के, पहला स्टेप क्या है कि क्लोराइड का रेडिकल आएगा और हाइड्रोजन को ले जाएगा, और दूसरा स्टेप क्या है कि जो कार्बन का रेडिकल बन जाएगा, और दूसरे स्टेप में वो जो कार्बन का रेडिकल बना होगा वो क्लोराइड का फिर से रेडिकल बना देगा, एक उसका क्लोरीन ले लेगा और एक क्लोरीन पे रेडिकल बन जाएगा। इनके रेपिटेशन से सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब आपसे एग्जाम में अगर सपोज पूछ लें कि आप हाउ यू कैन प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम अल्केन, तो आपको यहाँ तक इस रिएक्शन को लिखना आना चाहिए इस तरीके से। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ मीथेन। मीथेन इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस। फ्यूल क्या होता है, ईंधन के तौर पर हम अपने घरों में जलाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इल्यूमिनेटिंग गैस आप लोगों ने भी देखा हो शायद कि बाज़ों का घरों में गैस लैंप्स लगे हुए होते हैं जिनमें हम सुई गैस की मदद से पूरा घर या पूरा कमरा रोशन कर रहे होते हैं, तो ये इल्यूमिनेटिंग गैस है कि इससे रोशनी भी प्रोड्यूस होती है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारी प्रिपरेशन जो है हमने अभी पीछे देखी है कि मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। सही। उसके बाद है फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ये सारी प्रिपरेशन हमने कैटलिटिक ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में देखी थी। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक यूज इन पेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स एंड ऑटोमोबाइल टायर्स, ये भी हम देख चुके हैं। और इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइजर, ये जो खाद होती है यूरिया आप लोगों ने देखा होगा, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी मिथेन जो है वो यूज होता है। अब हमारा जो अल्केन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम देख लें इसको जल्दी से एक दफा रिवाइज कर लें
तो हमने पढ़ा था कि अल्केन जो है इनको पैराफिन्स भी कहते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है और कोई और एटम नहीं होता। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। उसके बाद हमने इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे थे, जिसमें सबसे पहला था सबेटियर सेंड्रंस रिएक्शन, जिसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है उनकी हाइड्रोजनेशन करके हम अल्केन्स बनाए थे। नेक्स्ट था हमारा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के हमने दो मेथड पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड्स साथ में जिंक मेटल साथ में मिनरल एसिड, इनके रिएक्शन से हमारे पास अल्केन बन रहा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोजनोलाइसिस की थी। हाइड्रोजनोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोजनेशन अकंपेन्ड बाय बॉन्ड क्लीवेज, के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है साथ में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। फिर हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ा था, इसके भी दो मेथड्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम से ट्रीट करें। सोडा लाइम क्या होते हैं? कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम का जो मिक्सचर होता है इसको हम कह देते हैं सोडा। हाँ जी, तो कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करके उससे अल्केन जो है प्रिपेयर किया था, और हमने कहा था कि ये जो मेथड है ये सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए अच्छा है, इससे हम अनसिमेट्रिकल अल्केन्स जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड था फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स या कीटोन से। क्लीमेंसन रिडक्शन थी, जिसमें हम कीटोन को रिड्यूस कर रहे थे जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, और एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्केन आ रहा था। और वुल्फ किशनर रिडक्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे? एल्डिहाइड को ट्रीट कर रहे थे हाइड्रोजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्केन आ रहा था। लास्ट मेथड था हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हमने पढ़ा था कि ये सबसे रिएक्टिव रिएजेंट होता है, हाईली रिएक्टिव स्पीशी है, और जब हम इसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ या किसी भी एसिड के साथ तो ये डीकम्पोज हो जाता है और हमारे पास जो है वो अल्केन जो है बन जाता है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बारे में ये बात याद रखिएगा कि इससे ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के तमाम क्लासेस जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है। नेक्स्ट जो था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमने पढ़ा था कि ऐसे अल्केन जिनमें चार कार्बन एटम्स होते हैं वो सारे के सारे कलरलेस और डोरलेस गैसेस हैं। कलरलेस इनका कोई कलर नहीं है, और डोरलेस जिनकी कोई स्मेल नहीं होती। पेंटेन से हेप्टाडिकेन तक जो है वो कलरलेस और डोरलेस लिक्विड्स हैं। C5 से C17 तक और C18 से ऑनवर्ड्स जो है सारे के सारे वैक्सी सॉलिड्स हैं। अल्केन्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं या फिर बहुत ही वीकली पोलर, इस वजह से ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते, जबकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। इनके जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, जैसे जैसे इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता जाता है इनके फिजिकल कॉन्स्टेंट्स भी बढ़ते जाते हैं। इवन हम ये कहते हैं कि हर एक CH2 ग्रुप के इजाफे पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। और जो है ये बात भी आप, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स का वो कम होता है नॉर्मल चेन अल्केन से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, देखें हमारे पास क्या है, ये एक नॉर्मल चेन अल्केन है, सपोज 4 कार्बन की चेन है। अब देखें, अब ये दूसरे अल्केन के साथ जब ये वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी तो कितने पॉइंट्स हैं कि ये उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखें वन टू, ये दो मॉलिक्यूल्स, इसको पूरा आप लोग कर लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब ये CH3 है, ये CH2 है, CH2 है, CH3 है। ये बताने के लिए कि जो नॉर्मल चेन है उसके अगर हम देखें 4 कार्बन वाले के लिए 4 साइड्स हैं जहां से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को। लेकिन अगर यही ब्रांच चेन कंपाउंड होता तो इसमें क्या हो जाता, 1, 2, 3 और एक ब्रांच 4, और दूसरा भी ऐसे ही होगा हमारे पास 1, 2, 3।
थ्री और फोर्थ वन देयर. अब देखें अगर हम इसमें पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन देखें तो यहाँ पे कितने हैं, सेम तीन चार चार वाले ही हैं, लेकिन इसमें अगर हम देखें पॉइंट ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स इसके अट्रैक्शन के चार हैं, यहाँ पर तीन है. तो इस वजह से जो नॉर्मल चेन वाला है इनमें इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में ज्यादा होती है और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी ज्यादा होते हैं, और जो ब्रांच चेन वाले हैं इनमें पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होते हैं, इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम होते हैं, और जो मेल्टिंग पॉइंट है अल्केन का वो भी इंक्रीज करता है इन द विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ये इंक्रीज जो है वो इतना ज्यादा रेगुलर नहीं होता. नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी. हमने कहा था कि जो अल्केन्स हैं हम इनको पैराफिन्स कहते हैं. पैराफिन्स का मतलब है कि लिटिल एफिनिटी होती है इनकी रिएक्शन के लिए, और ये आमतौर पर किसी भी एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते. सूटेबल कंडीशन में ये दो तरह के रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्मल और कैटलिटिक रिएक्शन. और जो है हमने कहा था कि जो नॉन अनरिएक्टिविटी है अल्केन्स की, हम इसको दो बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक बात ये कि इन दोनों के दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम है. इस वजह से क्या होता है कि ये जो जो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर्ड होते हैं, और एज अ रिजल्ट कोई भी एजेंट जो है वो आकर इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता. दूसरी बात यह कि जो इनके दरमियान बॉन्ड हैं वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और चूंकि सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इस वजह से जो है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, और कोई भी रिएजेंट जो है वो आसानी से आकर इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता. फिर हमने रिएक्शन देखे थे. रिएक्शन में सबसे पहला था कंबस्शन. कंबस्शन क्या था कि आपने अल्केन को बर्न किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कंबस्शन के नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ रहा था. फिर ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन जो है उसमें क्या है कि कंबस्शन में आप ऑक्सीजन की ले रहे हैं एक्सेस, ऑक्सीडेशन जो है उसमें आप लिमिटेड सप्लाई ले रहे हैं, और जो है तो हमारे पास क्या आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर और कार्बन ब्लैक. फिर हमने पढ़ी थी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या था हमारे पास, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हमने देखा था कि जब लोअर अल्केन्स को हम बर्न करते हैं मेटैलिक कैटालिस्ट की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, तो फिर हमारे पास यूजफुल प्रोडक्ट आते हैं. बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप देखें कि इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं मिथेन से, तो आपको ये आंसर यहीं पे मिलता है. अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं मिथेन से, तो आपको ये आंसर यहीं पे मिलता है. इसके अलावा वो ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ यू कैन प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम प्रोपेन, तो सारा कुछ सेम रहेगा, अब यहाँ पर मिथेन की जगह पे प्रोपेन यूज कर लेंगे आप. सही है. नेक्स्ट है नाइट्रेशन. नाइट्रेशन में हमने पढ़ा था कि इसमें नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस कर देगा एक हाइड्रोजन को, और ये जो है ये फ्यूल और फ्यूल सॉल्वेंट्स और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है. आज हमने हैलोजिनेशन पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हैलोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट या फिर हाई टेम्परेचर. वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए से प्रोपिगेट करता है. तीन स्टेप्स हैं इसके, इनिशिएशन प्रोपिगेशन और टर्मिनेशन. इसको आप लोगों को समझ आ गई होगी. और फिर हमने इसके यूजेस पढ़े. यूजेस जो है वो टू मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोगों ने यूजेस को भी अच्छे तरीके से देखना है, इसको छोड़ना नहीं है. होपफुली बच्चों आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात समझना है, तो जरूर पूछें. बहुत सारी मेहनत करें, अच्छी अच्छी तैयारी करें, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.